वैसे तुम्हारी रक्षा करने के लिए तैयार हूँ, मैं वैसे तुम्हारा साथ निभाने के लिए तैयार हूँ, पर इन इंसानों में अपने भाई बहन रिश्ते नाते खोजना बंद करो। सब साईं है और सब साईं का है, तो जब प्यार करते ही हो तो सीधा मुझसे ही करो ना, अपने साईं से करो। और बस अपने मुख से ही तो बाण चलाकर कुछ लोग तुम्हारी निंदा करते हुए तुम्हें निराश कर जाते हैं, पर कोई छूता तो नहीं है ना, तो तुम निराश क्यों होते हो? कभी प्रशंसा को चुप रहने की कहते हो क्या? नहीं ना, तो वैसे ही जो तुम्हारी निंदा कर रहे हैं उन्हें भी करने दो। तुमने वो कहावत सुनी नहीं है क्या कि निंदक नियारे राखिए, आंगन कूटी छुआए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सो भाई। तुम ध्यान देना, कुछ लोग तुम्हारी बुराई कर करके तुम्हारी कुछ आदतें सुधार देते हैं। तुम देखो तुम पहले कैसे थे और अब कैसे बदल रहे हो, तुम्हारी विचारधारा में कितने बदलाव आ रहे हैं और तुम्हारे अंदर और सच्चाई और वास्तविकता भी भरी जा रही है। तुम और ज्यादा जिंदगी को समझ पा रहे हो, तो क्या ये किसी आशीर्वाद से कम है क्या? और तुम एक बात ये समझो कि जो तुम्हारी थाली में आ रहा है, अगर वो मेरे चरणों पर नहीं भी चढ़ाया गया है, फिर भी वो मेरा प्रसाद ही है। एक एक बूंद जो जल है ना, उसकी अहमियत को समझो। अपने हाथ से जानबूझकर ना खाना बर्बाद होने दो ना पानी। और एक बात का विशेष ध्यान रखो, जो भी तुम्हारी थाली में परोसा जाए उसे खाओ, लेकिन सबको दिखाकर मत खाओ। जिन्हें खाना नहीं मिलता उनके समक्ष तुम तरह तरह के व्यंजन परोस कर खाओगे, तो उनके दिल में जो दुख होगा, जो उनके आंसू होंगे ना, उसे ना चाहते हुए भी तुम्हें जो बद्दुआ मिलेगी उसका असर होता है। इसलिए आज से किसी की भी कोई भी चीज़ अगर कम हो तो उसके सामने तुम ऐसा प्रतीत होना कि तुम्हारी भी वैसी ही स्थिति है, समझ गए? क्योंकि अंदर से तो तुम जैसे हो कि तुम्हारे पास सब कुछ है, पर बाहर जो कोई कष्ट और पीड़ा में है, कोई चीज़ के अभाव में है। यदि तुम पूरा कर सकते हो तो ज़रूर करो, और नहीं कर सकते तो फिर घमंड से मत चलो उसके सामने, उल्टा विनम्र हो जाओ, उसके साथ उसका सहारा बनो। मैं झूठ बोलने की कभी नहीं कहता, लेकिन हाँ, अगर कड़े शब्दों से बहुत ज़्यादा सच से किसी का दिल दुख जाए, इस तरह दुख जाए कि वो तुम्हें बद्दुआ दे दे, उससे बेहतर है कि विनम्र हो जाओ, उसके दर्द को बांट लो, शांत रह जाओ, समझे? और एक बात समझना, जो तुम्हारे दिल में डर रहता है ना कि अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है, ऐसा नहीं है। तुम ध्यान से देखो, गौर से देखो, अच्छे लोगों के साथ अच्छा होता है, अच्छा ही नहीं बहुत अच्छा होता है। और हाँ, वो जज्बा, जीने का जज्बा, कुछ पाने का जज्बा खुद अपने भीतर होना चाहिए। अगर मैं तुम्हें सब कुछ दे दूँ ना, तो एक पल में सब कुछ दे दूँ जो मैं कर भी सकता हूँ, तो फिर जब तुम्हारी जिंदगी में कुछ नया रह ही नहीं जाएगा, तो एक ऐसा वक्त आएगा जब तुम्हें जीने का मन ही नहीं करेगा। इसलिए हमेशा कुछ ना कुछ उथल पुथल होती रहती है, कुछ ना कुछ काम में तुम लगे रहते हो, और जिस पर ईश्वर का बहुत आशीर्वाद होता है ना, वही बच्चा व्यस्त भी रहता है। इसलिए अपनी व्यस्तता को आशीर्वाद समझो, खुश रहो, मुस्कुराते रहो।